लेसन नंबर 3 द नेम ऑफ द लास्ट लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तेसानी दोषी बिफोर यू रीड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पेलेंट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू बेन व्यू। यदि आप इसे पृथ्वी ग्रह के बारे में इसके वर्तमान भूतकाल और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके जानने के लिए सबसे अच्छा स्थान अंटार्कटिका है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक स्कॉल के। इस वर्ष के आरंभ में मैंने स्वयं को एक रूसी रिसर्च जहाज पर पाया। एकेडमिक सोकल हेडिंग टू वर्ल्ड ए कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट वाइल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मेरा वो संसार में या जो संसार के सबसे ठंडे सबसे ड्राइएस्ट सबसे सूखे वाइंडस्ट सबसे तेज हवा वाले कॉन्टिनेंट महाद्वीप के अंदर इन द वर्ल्ड संसार के सबसे ठंडे सबसे सूखे सबसे ज्यादा हवा वाले महाद्वीपों की ओर बढ़ रहा था अंटार्कटिका में। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास इन वोल्ड क्रॉसिंग 9 time zone 6 चेक पॉइंट्स 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी एकोस्फियर्स। मेरी यात्रा 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ से ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास में भूमध्य रेखा से आरंभ हुआ एंड इन वॉल्ड क्रॉसिंग 9 time zone और इसके अंदर 9 time zone क्षेत्रों को एंड इन वॉल्ड 6 चेक पॉइंट्स और इसमें 6 चेक बिंदुओं पर से 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 पानी के संग्रहों के अंदर से होता हुआ एंड एट लीस्ट एज मैनी एकोस्फियर और ये बहुत से पृथ्वी के भागों को शामिल करे इसके अंदर यानी कम से कम अनेक पृथ्वी के भाग इसके अंदर शामिल थे जो मैंने यात्रा की। बाय द टाइम उसी समय से आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अपने कदम को रखा। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप और मेरे हवाई जहाज को मिला करके समुद्री जहाजों को मिला करके और कार को मिला करके 100 hours की यात्रा मैंने की थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव हाइट लैंडस्केप एंड ए अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ फॉलोड अप विद एन इमीजिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट उस समय जब मैंने अंटार्कटिका के ऊपर अपने पैर अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर वास्तव में अपने पैरों को रखा। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एक एरोप्लेन एंड ए शिप तो कुल मिलाकर के यानी मिश्रित रूप से मैंने 100 hours की यात्रा की एक कार के द्वारा एक हवाई जहाज के द्वारा और एक समुद्री जहाज की मिला करके 100 hours की यात्रा की। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग इस प्रकार से सबसे पहले जो मुझे अंटार्कटिका के अंदर मुझे जो सामना करना पड़ा
वाइट लैंडस्केप जो एक सफेद व्हाइट लैंडस्केप यानी भूमि का विस्तार, सफेद सी भूमि के टुकड़े को मैंने देखा। एंड अनइंटरप्टेड ए ब्लू होरिजन वाज रीप, और वहाँ एक अनइंटरप्टेड एक शांत नीले रंग का ब्लू नीले रंग का होरिजन अक्ष था, यानी चारों तरफ एक नीला आसमान दिखाई पड़ रहा था। वाज रिलीफ जो मुझे वहाँ एक बड़ी शांति दे रहा था, बड़ी एक शांत भावना दे रहा था। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड ए प्रोफाउंड वंडर, और वहां पर मुझे इसके साथ में तुरंत इसके बाद एक गहरा आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट इज इमीडिएट इमेंसिटी, इसकी विशालता पर मुझे हैरानी थी। इट इज आइसोलेशन, इसका अलगाववाद यानी एक अलग सी अलग प्रकार का। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडस्केप। लेकिन मुख्य रूप से आश्चर्य ये सोच करके था कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही जमीन के हिस्से कैसे रहे थे। अब पार्ट ऑफ हिस्ट्री इतिहास के हिस्से के रूप में 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले एगेंट एमिग्लेमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक विशाल मिश्रित दक्षिणी सुपर महाद्वीप गोंडोवाना था। डिड इंडीड एक्साइट, क्या ये वास्तव में, और यानी डिड इंडीड वास्तव में ये अस्तित्व के अंदर था। सेंटर्ड रॉगली अराउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, यानी मध्य भाग इसका आज के अंटार्कटिका जो है वो इसका एक केंद्र बिंदु था। थिंग्स वर क्विट डिफरेंट देन, तब चीजें सारी भिन्न थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड, मानव प्राणियों समेत तक आया नहीं था ऑन द ग्लोबल सीन, इस संसार में। ग्लोबल सीन संसारिक दर्शन है, इस संसार के अंदर उस समय तक मनुष्य नहीं आया था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और मौसम बहुत अधिक गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना, और उस समय जीव और वनस्पति एक विशाल स्थिति के अंदर पल रहे थे। फोर 500 मिलियन ईयर्स गोंडोवाना थ्रीउड, 500 मिलियन सालों तक गोंडोवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन उसी समय से वहन द डायनासोर वर विप्ड, जब डायनासोर लुप्त हो गए एंड द एज ऑफ द मम्मल्स गोट अंडर वे, और उसी युग से मम्मल्स सतनधारी आए। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, द लैंड मास ये भूमि का टुकड़ा फॉरेस्ट टू सेपरेट इंटू कंट्रीज देशों के रूप में बट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टूडे, और उसका आकार इस प्रकार का बन गया जिस प्रकार का आज हम ये देखते हैं।
To visit Antarctica now is to be a part of the history. अंटार्कटिका का दौरा करना अब एक इतिहास का हिस्सा बन गया है. To get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. उस स्थान को समझना है जहां से हम आए हैं और शायद उसी ओर हम बढ़ रहे हैं. It is to understand the significance of a Cordilleran fourth and a Precambrian guarantee shield ozone and carbon evolution and extinction. It is to understand. इसका अर्थ या इसको ये समझना है, इसका यह अर्थ ये है द सिग्निफिकेंस ऑफ जो इशारा करता है या हमें ले जाता है कॉर्डिलन. कॉर्डिलियन सतहों और प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों के महत्व को समझना, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को इवोल्यूशन उसके विकास एंड एक्सटिंक्शन और उसके विनाश को समझना है. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, जब तुम इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो, दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स. तो इन घटनाओं को घटने में मिलियंस वर्ष लग गए. ये सारी चीजें मिलियन वर्षों के दौरान घटित हुई. इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग. तो यह दिमाग को झंझोर देने वाला हो सकता है. बॉगलिंग झंझोर करने वाला, दिमाग को एक तरह से हिलाकर रख देता है. इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वार्ड जमिंग अगेनेस्ट एशिया टू बुकल, कि भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और एशिया के ऊपर की परत के विरुद्ध एक तरह से टकरा रहा है. इट इज क्रस्ट एंड फॉरम द हिमालय. इसकी सतह को उधेड़ने और हिमालय का निर्माण करने के लिए साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ, सरकता हुआ. ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कम्पोलर करंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीड्स डाइसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कम्पोलर, यानी एक ठंडी सी ध्रुवीय धारा का निर्माण करके ड्रेक रास्ते को खोलते हुए कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीड्स, अंटार्कटिका को जमा हुआ डिसोलेट ये बंजर सा एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के पेंदे में रखते हुए. फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरे वर्गे दक्षिणी भारत के सूर्य की पूजा करने वाले लोग,
2 weeks in a palace, 2 सप्ताह तक ऐसे स्थानों के ऊपर वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. यानी मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिणी भारतीय के लिए टू वीक्स इन ए पैलेस 2 सप्ताह तक ऐसी जगहों पर बिताना वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम जहां पूरी पृथ्वी की 90% बर्फ जहां जमा होती हो और स्टोर्ड जमा होती हो इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट. एक तरह से बहुत ही इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट द सर्कुलेट एंड मेटाबॉलिक फंक्शन. यानी न केवल नसों और पाचन क्रिया के लिए बल्कि सोचने के लिए भी ये जमा देने वाली ठंड. इट इज लाइक वॉकिंग इंटू ए गेंद पिंग पोंग बॉल डिवोर्ड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स नोटरीज बिलबोर्ड्स बिल्डिंग्स. यह एक बहुत बड़ी पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जैसा था. It is like into a game ping pong ball divide of a human maker मानव प्राणी के लिए. यानी एक मानव का जहाँ कोई नामो निशान ना हो वहाँ पर एक बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जैसी बातें थी. जहाँ पर नौ ट्रेस जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था बिलबोर्ड्स बिल्डिंग्स और जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का बिलबोर्ड या इमारत आदि नहीं थी. यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ प्रस्पेक्टिव एंड टाइम हियर. तुम यहाँ पर पूरी तरह से सांसारिक स्वरूप खत्म था और टाइम हियर ने यहाँ कोई समय था सांसारिक समय भी वहाँ नहीं था. द यूजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मीड्स एंड मीट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम. यहां दृष्टि के स्केल से सूक्ष्माकार से लेकर के विशाल तक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और दीमक से लेकर के व्हेल मछली तक बड़े देश के आकार. यानी जो देश होते हैं जितने बड़े आकार के आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े और सबसे बड़ा आइसबर्ग बेल्जियम देश के आकार के रिकॉर्ड का किया गया. जितना बड़ा बेल्जियम देश है इतना बड़ा. डेज गो ऑन दिन बीतते गए एंड ऑन और बीतते गए एंड ऑन इन सूर्य रियल 24 hours ऑस्ट्रियल समर लाइट एंड ए एबिक्यूटेशियस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एविलेंस और कॉल्विंग आई शीट कॉन्सिक्रेट द पैलेस. जो कभी कभार केवल बर्फ के खिसकने का डेज ऑन यानी दिन बीतते चले गए एंड ऑन और बीतते चले गए एंड ऑन इन द
सूर्याल 24 ऑस्ट्रियल समर लाइट और एक अजीब यानी दिन की अजीब 24 घंटे दक्षिण की सर्दियों की रोशनी में। एंड ए एवोकेशन साइलेंस और सदा कायम रहने वाली वहां एक शांति इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एविलेंस और कॉलविंग आई शीट। वहां बाधित होते थे तो केवल या कोई शोर शराबा सुनता था कभी कभार, केवल शांति यानी कभी कभार बर्फ के खिसकने या टूटकर अलग होने की बर्फ की पट्टी ही की आवाज केवल बाधित करती थी। कॉन्सेंट्रेट द पैलेस, कॉन्सेंट्रेट द पैलेस, इस जगह को एक उस तरफ ही ध्यान ले जाने वाले बाधित करने वाले। इट इज एन इमर्शन दैट विल फोर्स यू टू पैलेस योर सेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जूलॉजिकल हिस्ट्री। इट इज एन इमर्शन, यहां पर केवल एक आध बार, इट इज एन इमर्शन दैट, यानी जो थोड़ा बहुत कोई चीज अगर विसर्जित होती थी, दैट विल फोर्स यू टू द पैलेस योर सेल्फ, तो ठीक उसी स्थान पर तुम अपने आप उस तरफ धकेल दिए जाते थे। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थ जूलॉजिकल, कि इस पृथ्वी को भौगोलिकल इतिहास के संदर्भ में रखने के लिए, जानने के लिए वो तुम्हें बाध्य करेगी। एंड फॉर ह्यूमंस और मानव प्राणी के लिए द प्रोग्रेस प्रोग्रेसिज इज नॉट गुड, वहाँ मानव प्राणी के लिए भी ये लक्षण अच्छे नहीं थे। ह्यूमन पे, मानव प्राणी के बारे में ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स बेयरली ए फ्यू सेकेंड ऑन द जूलॉजिकल क्लॉक। हमारे भौगोलिक समय के अनुसार कुछ थोड़े से सेकेंड के बराबर मानव सभ्यता लगभग 12,000 साल पहले मानव सभ्यता आई, यानी मानव प्राणी आए। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से समय के दौरान वी हैव मैनेज्ड टू क्रिएट क्विट ए रूपस एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस टाउन सिटीज मेगा सिटीज। इस थोड़े से अक्षण के समय के दौरान ही, इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इस थोड़े से समय के दौरान ही We have managed, हमने जो व्यवस्था बनाई to create और जो रचना की, ट्विटेरुकस उसने ठीक एक हलचल मचा दी, एचिंग आवर डोमिनेंस हमारा ओवर नेचर, इस प्रकृति के ऊपर हमने एक प्रबल खुदाई की, हलचल मचाई विद और इसके ऊपर विद आवर विलेजेज, हमने इसके ऊपर गांव बनाए, कस्बे बनाए, शहर बनाए, मेगा सिटीज और विशाल शहरों का को बनाया। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्स एंड द
unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. The rapid increases of human population, जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ी, has left us battling with other species, तो हमें दूसरे स्पीशीज के साथ जो लड़ने के लिए हमें छोड़ दिया गया फॉर लिमिटेड रिसोर्स, एक सीमित संसाधनों के साथ, एंड द अनमाइटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और हमारे एक खनिज ईंधन संबंधी जो हम एक असीमित मात्रा के अंदर जिनका प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, संसार में चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक कंबल सा बिछा दिया है, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और उसके कारण जो धीरे धीरे लेकिन अवश्य ही संसार के औसत तापमान को बढ़ाता रहा है. क्लाइमेट चेंज इज ए वन ऑफ द मोस्ट होस्टली कॉन्टेस्ट इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. वातावरण में बदलाव हमारे समय का सबसे गर्मा गर्म बहस का एक मुद्दा है. विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या पश्चिमी अंटार्कटिका बर्फ की चादर या बर्फ की पट्टी पूर्ण रूप से पिघल जाएगी. विल द गोल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरूपिटेड, और क्या समुद्री खाड़ी धाराएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, लेकिन विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या इस संसार का अंत हो जाएगा एज वी नो इट, जिसके बारे में हम जानते हैं. मे भी ये भी हो सकता है, मे नॉट भी, और ये नहीं भी हो सकता. आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्यूरिकल एलिमेंट इन दिस डिबेट, ये भी हो सकता है कि अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण तत्व है इन दिस डिबेट, इस बहस का. नॉट जस्ट केवल इतना ही नहीं, बिकॉज क्योंकि इट इज द ओनली पैलेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि संसार में केवल यही एक ऐसा स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके ऊपर मानव प्राणी कभी नहीं रहा, एंड देयर फॉर रिमेन्स ए रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट इज आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट इज लायर ऑफ आइस. नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए ही नहीं, इट इज ओनली पैलेस इन द वर्ल्ड, केवल संसार के अंदर यही एक ऐसा स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसके ऊपर मानव प्राणी कभी नहीं रहे, एंड देयर फॉर, और इस प्रकार से रिमेन्स रिविलेंटली तुलना के तौर पर परसिस्ट इन दिस रेस्पेक्ट, ये एक बहुत साफ सुथरी सी जगह है, बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन इससे और अधिक जो महत्व है, बिकॉज क्योंकि इट होल्ड्स इन इट इज आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, क्योंकि ये अपने अंदर हाफ मिलियन पहले का आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन, इसके अंदर हाफ मिलियन
कह लीजिए या द मिलियन वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड बर्फ की तहों में बंद हैं, दबे हुए हैं। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामाइन और इसका परीक्षण करना चाहते हैं, द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस पृथ्वी के वर्तमान भविष्य और फ्यूचर के बारे में, एंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, तो एंटार्कटिका सही एक ऐसी जगह जहां हमें जाना चाहिए। इससे अगला हम फिर करेंगे। तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि ये एक लॉकडाउन का समय है जो लंबा चलेगा, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। मैं मानता हूँ कि आमने सामने बैठ करके काम किया जा सकता है, लेकिन तुम इतने छोटे भी नहीं हो, प्लस टू के विद्यार्थी हो और समझदार हो। आज तो प्लस टू के बच्चे दूसरे देशों में जा कर के भी पढ़ते, दूसरे देशों से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन तुम तो कम से कम अपने घर के नज़दीक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम स्कूल के अंदर आकर के उसको सोल्व करवा सकते हो। सबसे पहले तो तुम सब बच्चों ने चाहिए कि अपनी कॉपी प्रत्येक सब्जेक्ट की स्कूल के अंदर लेकर के आओ और उसको चेक करवाओ, प्रतिदिन का प्रतिदिन काम करो। ये एजुकेशन तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, ये तुम्हारे विकास के लिए है, और यदि काम नहीं करोगे तो पिछड़ करके बहुत दूर चले जाओगे। तो सभी बच्चे इन पाठों को प्रतिदिन पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, कम भी समझ में आएंगे तो फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। प्रश्नों को भी याद करो और स्कूल में आकर के अपने काम को चेक करवाते जाओ। मैं भी बैठता हूँ, स्टाफ के सदस्य भी आते हैं, और तुम 8 से 10 के बीच में आओगे, 11 तक भी आओगे तो सारे स्टाफ के सदस्य भी तुम्हें मिलेंगे। अपनी कॉपी लेकर के यहाँ आओ और चेक करो।